आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है, 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। पहले देश में 2 मेगा फूड पार्क होते थे, आज ये संख्या 20 से भी ज्यादा हो गई है। पहले हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 12 लाख मैट्रिक टन थी, अब ये 200 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा है। यानी 9 वर्षों में 15 गुना से ज्यादा की वृद्धि। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो पहली बार विदेशी बाजारों में जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ब्लैक गार्लिक, कच्छ का ड्रैगन फ्रूट या कमलम, मध्य प्रदेश का सोया मिल्क पाउडर, लद्दाख का कार्किचू एप्पल, पंजाब का कैवेंडिश बनाना, जम्मू का गुच्ची मशरूम, कर्नाटका का रव हनी, ऐसे कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जो कई देशों में पहली पसंद बन गए, बहुत पसंद किए जा रहे हैं। यानी आपके लिए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। साथियों, भारत के भीतर भी और एक फैक्टर उभर रहा है, मैं इस बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बढ़ते अवसरों के साथ घर के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है।
इसके कारण पैकेज फूड की मांग बढ़ी है, काफी बढ़ रही है। इससे हमारे किसानों के लिए, हमारे स्टार्टअप्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इन पॉसिबिलिटीज के लिए, इन एम्बिशियस पॉलिसीज के लिए आपके प्लान भी उतने ही एम्बिशियस होने चाहिए।